न्यूज के साथ मैं हूं हफ्सा मिन्हा। सबसे पहले नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। क्वेटा के शोहदा की याद में तोबा टेक सिंह में शमे रोशन, सानहे के खिलाफ लोअर दीन में वुकला का एहतजाज। इंटरनेशनल इस्लामिक रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से बारिश से मुतासरा वजीराबाद के 500 खानदानों में इमदादी सामान तकसीम। बहावल नगर में थाना मरोट पुलिस चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल करते हुए घर में जा घुसी, खवातीन से मुबैना बदतमीजी, अहले इलाका का एहतजाज, आईजी पंजाब और आरपीओ से नोटिस लेने का मुतालबा। और जश्न आजादी के सिलसिले में बिहाड़ी में बकरियों की खूबसूरत वॉक की रिपोर्ट भी डिस्ट्रिक्ट न्यूज का हिस्सा है। तोबा टेक सिंह में सानहा क्वेटा के शोहदा की याद में शहबाज चौक में शमे रोशन की गई और उनके दर्जात की बुलंदी और मुल्की सलामती के लिए दुआ की गई। रिपोर्ट कर रहे हैं मियां मंसूर रफीक। तोबा टेक सिंह में सानहे क्वेटा में शहीद होने वाले निजी टीवी के कैमरामैन महमूद खान, शहजाद और वकला की याद में शहबाज चौक में दुआया तकरीब मुनक्कद की गई। तकरीब में सहाफियों, कैमरामैन, वकला, पुलिस अहलकारों समेत शहरियों ने शिरकत की। इस मौके पर शहरियों, पुलिस अहलकारों और सहाफियों ने शोहदा क्वेटा की याद में शमे रोशन करके इनके घर वालों से हमदर्दी का इजहार किया। इस मौके पर सहाफियों और शहरियों ने इस बात का अहद किया कि वो दहशत गर्दों की बुजदलाना कार्रवाईयों से डरने वाले नहीं। तकरीब के इख्तिताम पर सीनियर सहाफी कारी बाबर जमील ने शोहदा क्वेटा और पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ करवाई। और अब बुलेटिन में शामिल करते हैं लोअर दीर से रुअल्ला शाकिर की रिपोर्ट। सानहा क्वेटा के खिलाफ लोअर दीर में वुकला बरादरी ने अदालतों का बायकॉट किया और बाजुओं पर सियाह पट्टियां बांधकर एहतजाज किया। वुकला ने शोहदा के लिए इज्तमाई दुआ की और हुकूमत से सानहा क्वेटा में मुलव्वस मुलजिमों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। इंटरनेशनल इस्लामिक रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से बारिश से मुतासरा इलाकों में अद्वियात और खाने पीने के सामान की तकसीम जारी है। IIRO के डिप्टी डायरेक्टर जावेद बट, सऊदी अरब से आए खसूसी मेहमान रफीक वलीद और रुकने कौमी असेंबली जस्टिस रिटायर्ड इफ्तिखार अहमद चीमा ने वजीराबाद के 500 खानदानों में इमदादी सामान तकसीम किया। इसके अलावा जेहलम में भी 300 खानदानों में राशन तकसीम किया गया। मुतासर अफराद में तकसीम किए गए सामान में आटा, चावल, चीनी, दालें और घी समेत खाने पीने की दीगर अशिया भी शामिल हैं। इमदादी सामान की तकसीम के मौके पर जस्टिस रिटायर्ड इफ्तिखार अहमद चीमा ने कहा कि सऊदी अरब मुश्किल की हर घड़ी में पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का ताल्लुक यकजान दो कालिब वाला है। उनका कहना था कि वो मुतासर अफराद की इमदाद पर सऊदी हुकूमत और इस्लामिक रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के शुक्रगुजार हैं। यहां शामिल करते हैं बहावल नगर से महमूद बशीर की रिपोर्ट। थाना मरोट पुलिस ने मुबैना तौर पर चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल करते हुए घर में घुसकर खवातीन से बदतमीजी की, जिस पर अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए आईजी पंजाब और आरपीओ से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। चक 288 के रिहायशी गुलाम शबीर ने मीडिया को बताया कि पुलिस मुलजिम की गिरफ्तारी के बहाने कई बार उनके घर पर छापा मार चुकी है। उन्होंने कहा कि मुअज्जिजीन के साथ थाने में पेश होकर सफाई भी दी, मगर मुतालिका थानेदार ने सियासी मुखालिफिन की इमा पर बात सुनने से इनकार कर दिया। गुलाम शबीर ने इल्जाम आयद किया कि पुलिस ने उनके जईफ और बीमार वालिद मास्टर अल्लाह रखा को हवालात में बंद किया। उन्होंने आईजी पंजाब और आरपीओ बहावलपुर से इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया है। जश्न आजादी के सिलसिले में विहाड़ी में बकरियों की वॉक हुई, जिसे देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद घरों से निकल आई। मजीद बता रहे हैं शाहिद परवेज चौधरी अपनी इस रिपोर्ट में। जश्न आजादी की तकरीबात के सिलसिला में महकमा ज़राअत व लाइफ स्टॉक के ज़ेर एहतमाम नाची बकरियों के अनोखे आजादी मार्च ने शहरियों के दिल जीत लिए। खूबसूरत और दिलकश अंदाज में चलती बकरियों और इनके सरों पर लगे सब्ज हलाली परचम देखने लोग सड़कों पर निकल आए और दिल्ली इंतजामिया की इस कावश को बेहद सराहा। जश्न आजादी की तकरीबात के हवाले से इस मुनफरद वाक की क्यादत DCO अली अकबर भट्टी कर रहे थे, जबकि मरकजी अंजमन ताजरान के सदर अरशाद भट्टी, समाजी रहनुमा नौशीन मलक और दीगर ने भी वाक में शिरकत की और बकरियों की इस वाक को जश्न आजादी के साथ साथ लाइव स्टॉक के फ्रोक के लिए अहम पेशरफ करार दिया। मकसद यह है कि एक तो ये इस कल्चर को व्याड़ी में इसको रोशनास कराना है, दूसरा ये है कि इसके जरिए लोगों को तरगीब देना है, लोगों को मायल करना है कि वो
لائف سٹاک کی طرف مائل ہوں۔ نائچی بکریوں کی انوکھی اور منفرد واک کلمہ چوک سے شروع ہوئی اور پرانی سبزی منڈی کے سامنے پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ آخر پر مارچ میں شریک بکری پال حضرات کے حوصلہ افزائی کے لیے ان میں ٹرافیاں بھی تقسیم کی گئیں۔ شاہد پرویز چودھری، اے نیوز وہاڑی۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کیا۔ آپ کو بتائیں، جشن آزادی کو بھرپور انداز میں منانے کے لیے بہاولپور کی سینٹرل لائبریری میں تقریبات جاری ہیں۔ سکاؤٹس کے کیمپس کے بارے میں بتا رہے ہیں جاوید چودھری اس رپورٹ میں۔ جشن آزادی کو بھرپور انداز میں منانے کے لیے سینٹرل لائبریری بہاولپور میں مختلف تقریبات جاری ہیں۔ اس میں نمایاں حصہ ڈالنے کے لیے سکاؤٹس بھی میدان میں آئے ہیں، جن میں مختلف سکولوں کی طرف سے سکاؤٹس نے کیمپ لگائے ہیں، جن میں عباسی ہائی اسکول، کینٹ ہائی اسکول، سیٹلائٹ آن ہائی اسکول، چک 12 بی سی ہائی اسکول، ٹیکنیکل ہائی اسکول اور دیگر اسکول شامل ہیں۔ ان اسکولوں کے اسکاؤٹس نے پرانے وقتوں میں استعمال ہونے والی مختلف اشیاء، پرانے وقتوں میں استعمال ہونے والے کنویں، فوجیوں کے استعمال ہونے والی بارکیں یہاں پر رکھی ہیں، جن کو دیکھنے کے لیے شہری دور دراز سے آ رہے ہیں۔ اس بارے میں اسکاؤٹس اور شہریوں کا کہنا ہے، بہت اچھا ہے سب کچھ، جو کچھ ہے یہاں پہ نمائش لگی ہوئی ہے، بہت ماشاءاللہ سب کچھ بہت اچھا ہے، بہت کچھ دیکھے۔ یہاں پہ اسپیچ تھی اور کیا کہتے ہیں کوئز پروگرام تھے، ڈراماز تھے، بہت اچھے تھے۔ سینٹرل لائبریری بہاولپور میں جشن آزادی کی تقریبات بھرپور انداز میں جاری ہیں۔ یہاں پر مختلف اداروں کی طرف سے چولستانی ثقافت کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ ملکی ثقافت کو اجاگر کرنے کا بھی بھرپور انتظام کیا گیا ہے۔ کیمرہ مین خرم شاہ کے ساتھ جاوید چودھری، اے ٹی وی نیوز، سینٹرل لائبریری بہاولپور۔ ڈسٹرکٹ نیوز سے اب تک اتنا ہی، اور اب اے ٹی وی کی لائیو نشریات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ atv.com.pk۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔